इप्सन L130, ये प्रिंटर है। इसकी एक केबल लगी है USB, जिसकी सहायता से हम इसको CPU से अटैच कर लेते हैं। और एक DVD आती है जो प्रिंटर के साथ में आती है, उससे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही ये आपके CPU या लैपटॉप में चल पाएगा। ये देखिए DVD है, इसकी सहायता से इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही आपके सिस्टम में आराम से चल पाएगा। या आप ऑनलाइन भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाल दी है, वो जाके देखें और उसको ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अगर इस प्रिंटर के अंदर की जानकारियाँ चाहते हैं तो इसकी सेटिंग्स को खोलें, शेयरिंग पोर्ट्स या इसकी जो भी एडवांस जानकारी चाहते हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें एक रेड लाइट आ जाती है, उसका सोल्यूशन हमें इस वीडियो में करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण ढांडा, आप देख रहे हैं 1 मिनट सोल्यूशन। डीवीडी से प्रिंटर को इंस्टॉल करना है। जैसे हम पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन होते ही एक जो रेड लाइट है वो आ जाती है। रेड लाइट एरर काफ़ी प्रकार की होती हैं, काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आपकी वीडियो गलत है, या इस प्रकार का कोई भी कमेंट ना करें, क्योंकि वीडियो स्पेशल किसी एक रेड लाइट के लिए बनाया जाता है, हर प्रकार की रेड लाइट के लिए नहीं। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, कौन सी रेड लाइट आ रही है। एक तो रेड लाइट देखिए स्थिर है अभी, जो ड्रॉप के ऊपर आई हुई है, ये रेड लाइट आती है इंक की प्रॉब्लम की वजह से। अगर इसकी दूसरी तरफ पेपर वाली रेड लाइट अगर ऑन है तो वो पेपर जैम की वजह से आती है। आपको ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि ये रेड लाइट किस प्रकार की है। ये ड्रॉप की है तो इसको हम इंक उठवाने की कोशिश करेंगे प्रिंटर की। तो जो पावर बटन के साथ में जो एक बटन अलग से दिया हुआ है, उसको हमें 10 से 15 सेकंड दबा के रखना है। प्रॉपरली उस बटन को दबा के रखें। जैसे ही बटन को दबा के रखते हैं, अपना हेड वर्क करना स्टार्ट कर देगा और जो बटन है वो भी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इसके जो रेड लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है, और जो ग्रीन वाला बटन है वो भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर है, लगभग 8 से 10 मिनट तक चलेगा, उसके बाद ये प्रॉपरली बंद हो जाएगा। जो आपका हेड वर्क करने लग रहा है, जो सामने मैंने फ्लैप खोल के रखा है, ये हेड भी आपका स्थिर हो जाएगा, और जो ग्रीन वाला बटन है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ग्रीन लाइट ही उसके अंदर रहेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका हेड रुक जाएगा। वो देखिए ग्रीन लाइट बिल्कुल ऑन है, अब इसमें ब्लिंकिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली सॉल्व हो चुकी है। तो इसमें दिक्कत थी दोस्तों, ये नया प्रिंटर था, इसमें इंक जो पाइप्स में है वो नहीं गई थी, तो इंक को हमने उठवा दिया है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमारा दूसरा चैनल है, नीचे लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी, उस पे जाके हमें फॉलो करें, छोटी मोटी जानकारियाँ आपको उसी पे मिल जाएंगी। स्पेशली आप डायरेक्ट हमें DM कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। तो इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, देखते रहिए 1 मिनट सॉल्यूशन।